वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ फिल्मी मिस्टेक्स हैं। वीडियो को दिल पर लेने या पर्सनल लेने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो चिल करें और वीडियो एंजॉय करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। कितनी बार कहा मैंने उस जगह को मत देखा। अबे यहाँ इस आंटी को पता है कि हाउस नंबर 6 में कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये लड़की तो साथ वाले घर में रहती है। लगता है इसे कुछ नहीं पता, तभी तो बागी बागी आ रही है। इस सीन में यहाँ तेज हवा चल रही है और ये दुपट्टा उड़ के इतनी दूर जाकर गिरता है। देखा जाए तो फ्रंट के प्लांट ही हिल रहे हैं, लेकिन पीछे तो कोई प्लांट नहीं हिल रहा। पलक ने दुपट्टा लाकर यहाँ लटका दिया है। दुपट्टा बिल्कुल सामने लटक रहा है, लेकिन इसकी बहन फिर भी कह रही है कि कहाँ है वो दुपट्टा। अरे यहाँ हो क्या रहा है। इस सीन में पलक की बहन दुपट्टे को फोल्ड करके फेंकती है, लेकिन जैसे ही दुपट्टा जमीन पर गिरता है तो ऐसे पड़ा होता है जैसे खुद किसी ने फैलाया हो। यहाँ इस दुपट्टे में बाहुबली की शक्ति आ गई है, एकदम जमीन बोस हो जाता है। ए, अच्छा जी। अबे यहाँ इस डोंगी बाबा को देखें, कैसे इसने इर्द गिर्द इतना क्राउड जमा किया हुआ है। ऐसे लग रहा है जैसे बंदर का तमाशा दिखा रहा हो। इस सीन में ये डोंगी बाबा पानी इस दीवार पर फेंकता है तो दीवार पर कुछ लिखा हुआ आ जाता है। जब कैमरा दोबारा फोकस करता है तो आसपास कोई दीवार नहीं होती, बल्कि चारों तरफ क्राउड ही क्राउड होता है। यहाँ आसफ भैया आ गए हैं डोंगी बाबा की वाट लगाने। इस सीन में चेक करें कि आसफ भैया लोटा ढूंढ कहाँ रहे हैं। आपका लोटा कहाँ है? Don't angry me. जिस चीज ने मंत्र सीखना है वो आकर आसफ भैया से मंत्र सीख ले, बहुत ही मॉडर्न किस्म का है। चट्टी चुड़ैल, सूला साया, काला साया, नकली साया, भस्मो, चंडोस, पिज़्ज़ा, मोमोज। यहाँ लोटे के अंदर पानी है, लेकिन ये लड़का लोटा तो ऐसे पकड़ाता है जैसे लोटा खाली हो। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया अक्षय जी आपने। अबे टोटल धमाल में जॉनी लीवर ने ऑटो रिक्शे का प्लेन बना लिया था, और यहाँ अक्षय जी ने स्केल्टन से प्लेन बना लिया है। फिर कहिंदे बूटा गाला कर। यहाँ जब गाड़ी आकर रुकती है तो सीधी खड़ी होती है, और इस वक्त दोपहर का टाइम होता है क्योंकि गाड़ी का शैडो एकदम नीचे है। जैसे ही कैमरा ऊपर से व्यू लेता है तो गाड़ी का एंगल ही चेंज होता है और साये भी लंबे हो जाते हैं। सब आपने देखा हा? इस सीन में यहाँ ये लोग खेलने आए हैं और आते ही पहले सफाई करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो ये जगह बिल्कुल साफ थी, अब इतना कचरा कहाँ से आ गया। दोबारा जादू। इस सीन में ये येलो बैग इस गेट के सामने गिरता है और गेट बंद होता है, लेकिन आसफ जब बैग उठाता है तो गेट खुला होता है। यहाँ अब ये लोग खेलने लगे हैं और आसफ इन स्टंप्स को जमीन में ठोकता है, लेकिन जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है तो वो फौरन इनको बाहर निकाल लेता है और इन पर खून लगा होता है, जिसे आसफ भैया बिल्कुल भी नोट नहीं करते। अबे यहाँ इतनी तेज बारिश हो रही है, एकदम अंधेरा हो जाता है। जैसे ही आसफ भैया घर आते हैं, इनके कपड़े हल्के से गीले होते हैं और मौसम भी एकदम साफ हो जाता है। अबे इसको तो ब्लड यहाँ तक लगा हुआ था, यहाँ तक कैसे पहुँच गया। अबे ये आंटी अंधेरे में पूरे घर का ऐसे ही चक्कर लगाई जा रही हैं। ना कोई लाइट ही ऑन कर लेता है, ऊपर से जितना ये चला रही हैं इतनी देर में तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। लेकिन इनके घर वालों को तो घंटा फर्क नहीं पड़ा, सब घोड़े बेच कर सो रहे हैं। मैं नहीं गा सकता। अभी तो ये कह रहा था कि मुझे गाना नहीं आता, फिर ये गा भी लेता है। अबे गाना, यहाँ आसफ को तो पता ही नहीं था कि उसने कौन सा गाना गाना है, मगर इन पीछे वालों को सब पता था, अभी तो उन्होंने खूब प्रैक्टिस की हुई है। इस कप को देखकर लगता नहीं है कि इसमें चाय है। चाय तो बना के लाइए, ला मुझे पकड़ा है, मैं पी मार लेती हूँ। इस सीन में यहाँ सिर्फ यही टेबल हिल रहा है, लेकिन सामने डाइनिंग टेबल तो बिल्कुल नहीं हिल रहा। पॉइंट, 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 पॉइंट,
आसफ जब यहाँ से जाता है तो दिन का वक्त होता है, लेकिन जब आसफ यहाँ पहुँचता है तो अंधेरा हो जाता है। भैनचोद मिलके पागल बना रहे हैं हमको, मादरचोद के बच्चे। अभी अगर देखा जाए तो भूत को तो सब कुछ पता होता है। जब बाबी ने आसफ को चूड़ियां पहने देखा तब आसफ ने बाबी को देख लिया था। अब यहाँ वॉशरूम में तो इसे सारी फैमिली देख रही है, तो भूत को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। सीन में आसफ के पाँव पर हल्दी लगी थी, अगले ही सीन में हल्दी भी गायब हो जाती है और चप्पल भी। नो! अबे ये तो सुना था कि भूत इंसानी शक्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन भूत कॉस्ट्यूम भी चेंज करते हैं और करेक्टर भी। आज देखा है, वाह भाई बड़ा ही मॉडर्न भूत है। अबे दीपक ने तो टेबल का कचूमर ही निकाल दिया। मैं मारूंगा मर जाएगा, दोबारा जन्म लेने से डर जाए। इस सीन में यहाँ दूसरी गाड़ी पहले वाली गाड़ी के पीछे है। अगले ही सीन में दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे के बराबर खड़ी होती हैं। अबे बाबा ये कब हुआ? ए दफा करो। इस सीन में खंजर लक्ष्मी के पीछे लगता है, लेकिन ब्लड तो इसके फोरहेड और फेस पे लगा होता है। मैंने बचना। अरे यहाँ अपने आसफ भैया की थ्रो देखें, इतनी दूर से एक ही जंप में आ गए हैं। अरे साले का खोपड़ी तोड़ने, खोपड़ी तोड़ साले का। टेढ़ा है पर मेरा है, टेढ़ा है पर तेरा है।